हेलो फ्रेंड्स, तो मैं करण कुमार गुप्ता वाराणसी से और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेटवे ऑफ कॉरिडोर है। जैसा कि आपको मैं सामने का कुछ ऐसा व्यू दिखा रहा हूं, और अब जो है कि श्रद्धालु जो है कि ललिता घाट से होते हुए भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीढ़ियों का काम पूरा नीचे तक ये कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसके जस्ट बगल का काम कुछ बाकी है और ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे इसके कुछ थामने का उसको व्यू आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए, इसके सामने का कुछ व्यू इस प्रकार से है। तो ये दृश्य आपको देखकर कैसा लग रहा है? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मित्र। और मैं आपको आगे चल के वीडियो दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो है कि लोहे का जो मेटल का पार्ट स्टील का लग रहा है, और इसको वो जो सामने वाला लगाया गया है वहाँ पे इसको लगाया जाएगा और ये लाइटिंग का काम होगा। तो ये समझ लीजिए, जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने कितने पत्थर रखे गए हैं यहाँ पे सामने फ्रंट में, और ये सारे पत्थर जो है कि इसमें लगाए जाएंगे। और ये बहुत जगह से अलग अलग प्लेस से ये सब पत्थर आ रहे हैं और इसको जोड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और ललिता घाट आपको दिखाते हैं। आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका ऐतिहासिक श्री पशुपति मति मंदिर है, और ये नेपाली लोगों का ये मंदिर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अगल बगल ये छड़े किस प्रकार से सरिया है। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। हेलो मित्रों, तो अब मैं जा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, गेटवे ऑफ कॉरिडोर। और जैसा कि आप इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, कितनी अधिक मात्रा में सरिया यहाँ पर रखी गई हैं, छड़े रखी गई हैं, कितना अधिक मात्रा में पत्थर यूज किए जाएंगे आप देख सकते हैं। पूरा व्यू समझ लीजिए कि ये बहुत ही, जब बन जाएगा कम्प्लीटली तरीके से, तो ये घाट की सुंदरता को बहुत ही अद्भुत कर देगा। और इसके जस्ट बगल में आपका जो है कि मणिकर्णिका घाट है, और इसके जस्ट बगल में आपका सिंधिया घाट है। इस प्रकार से एक घाट दूसरे घाट से अटैच है फ्रेंड्स। तो ये आपको देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और हर महादेव का नारा से कमेंट कर भर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं मंदिर में। हेलो मित्रों, तो आज मेरा जो है कि सपना साकार ही हो गया। बहुत दिन से चाहता था कि मैं अंदर आऊँ और मोबाइल का यूज कर पाऊँ, ये मैं अंदर आ गया हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये किस भगवान की मूर्ति है या फिर एक ऐसे ही साधु संत बनाया गया है, मुझे नहीं पता। और ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे एक लाइट लगाई गई है जो कि रात में जलाई जाएगी इसको। तो ये अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि मैं आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेटवे ऑफ कॉरिडोर ठीक मेरे सामने यहाँ से देख सकते हैं, और मैं यहीं से एंट्री लिया हूँ। तो आज मैं इस बहुत महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ, बट इसके अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा था, तो आज इसके अंदर आ चुका हूँ और आपको पूरी फुल वीडियो दिखाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं मित्र, तो कुछ अंदर का दृश्य इस प्रकार से है। ये भारत माता मंदिर बनाया गया है, और इस प्रकार से देख सकते हैं इसके अंदर का दृश्य आप, किस प्रकार सेलिंग फैन लगाया गया है, मतलब एकदम डेंजरस बनाया गया है इसको, और बहुत ही अद्भुत। ये देख सकते हैं, ये भारत माता का जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से, कुछ ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये आपको इसका अंदर से नजारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आइए और भगवान भोले बाबा का दर्शन कीजिए। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, दर्शन थोड़ा हम कर लेते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बनारस और इंडिया से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है कि मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए आया हूँ और भैया लोग भी आए हैं। तो भैया आप कहाँ से हैं? और भैया आप मतलब सभी लोग बिहार से ही हैं? बता लीजिएगा, तो कुछ गलत थोड़ी पूछने वाले हैं। तो आपको ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखकर कैसा लगा बताइएगा? काफी अच्छा लगा। पिछली बार को जब आए थे तो टकरा सा रास्ता था, जाने आने में भी लोग को नहीं बनता था। अभी कुछ दिनों उधार हो गया और तब एकदम मतलब जो कैंपस बड़ा कर दिया है, हाँ। इसके कारण तो भीड़ भी नहीं दिख रहा है, हाँ। कोई अभी नहीं, लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं, हाँ। और काफी मजा आ रहा है लोग को देखने में। अभी तो विहंगम विराम चल ही रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। आप लोग जो गेट नंबर देखे हैं, गेट वे ऑफ कॉरिडोर देखे हैं, ऐसा ही मोबाइल में बंद कर देता हूँ, पुलिस आ रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। हेलो मित्रों, तो मैं आपको फ्रंट से व्यू कुछ दिखाता हूँ। जैसा कि आप फ्रंट से भारत माता का मंदिर देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया है। और जैसा कि आप सर्कुलर शेप में ये देख सकते हैं, इस पे प्लांट्स लगाए गए हैं। और जब ये प्लांट्स बड़े बड़े हो जाएंगे तो और भी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहेगी और ज़्यादा ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बस मोबाइल यहीं तक आप ले जा सकते हैं, इसके बाद मोबाइल ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर इसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर आ जाएगा। और जस्ट आपके बगल में दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सीलिंग वाला प्लेस बनाया रहता है कि यहाँ पे जो भी दुकान खुलनी होगी नाश्ता पानी के लिए ये बनाया जाएगा। और जिसके जस्ट बगल में आपका लॉकर वाला प्लेस है, जो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है कि अपना कुछ भी जमा कर सकते हैं। जब गेटवे ऑफ कॉरिडोर इधर से आएंगे, गेटवे ऑफ कॉरिडोर से आएंगे जो ललिता घाट से होते हुए रूट आएगा, तो उधर से आप आएंगे तो आपका यहाँ पर मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो है कि आपका ललिता घाट से होते हुए गेटवे ऑफ कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पे आप मोबाइल जमा कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है कि इस गेट से एंट्री अंदर की तरफ ले सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनाया गया है इस मंदिर को। हेलो मित्रों, तो मैं आप देखिए गेटवे ऑफ कॉरिडोर ठीक सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन का काम किस प्रकार से हुआ है। और इसके जस्ट बगल में आपका जो है कि महा मणिकर्णिका घाट आता है, जहाँ पे हिंदू धर्म में बॉडी जब मृत हो जाती है तो उनको यहाँ पे दाह उनका संस्कार होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो पिंक कलर की स्टोरेज टंकी है टूट जाएगी, और फूड को इसको इधर जो कि इस साइड में बनाया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों चल रहा है मित्रों। और नीचे का व्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। हेलो मित्रों, तो देख सकते हैं आप अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, सीढ़ियाँ देखिए कितनी प्यारी सुंदर सीढ़ियाँ, जो कि चुनार के पत्थरों और कहीं किसी स्टेट से अदर प्लेस से पत्थर ला करके इस मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा रहा है। और इसका जस्ट बगल में आपका जो है कि महा मणिकर्णिका घाट है, और इसके जस्ट बगल में आपका ललिता घाट है फ्रेंड्स। तो ललिता घाट को भी रिनोवेट किया जाएगा, इसका भी साफ सफाई किया जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो अपना एडवाइस दें, सलाह दें, कमेंट करें, महादेव का नारा लगा करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हेलो मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और यहीं से मोदी जी जो है कि गंगा का स्नान करके कॉरिडोर में प्रवेश किए थे। और ये आपका ललिता घाट है, और यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन का काम कितना जबरदस्त तरीके से जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये सब आपको देखकर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। तो आइए चलते हैं, दोस्त बहुत प्यारे होते हैं कुत्तों, तो कुत्तों को बहुत प्यार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, जैसे अपने घर में इंसानों को सम्मान और इज्जत देते हैं ना, उसी प्रकार से जानवरों को भी प्यार और सम्मान दीजिए। हेलो मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ललिता घाट है, और ये आपका गेटवे ऑफ कॉरिडोर के जस्ट बगल में है आप देख सकते हैं। और यहाँ ही से ही जो है कि प्रधानमंत्री मोदी स्नान करते हुए कॉरिडोर की तरफ गए थे,
और जैसा कि आप देख सकते हैं जिसे भी किस प्रकार से काम कर रही है, तो कितना अच्छा और कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा कमेंट। और ये देख सकते हैं कि घाटों के किनारे किस प्रकार से इसको पिंक कलर से रंग दिया गया है। और इस जो पिंक कलर का आपको ये टंकी दिख रहा है, ये सीवेज टंकी है, और इसको हटा करके इसे जस्ट मणिकर्णिका घाट के बगल में कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये देखिए आपका कौन सा घाट है बाबा, ये देखिए आपका मीर घाट है। ये आपको मैं मीर घाट दिखा रहा हूँ, जो कि आपका ललिता घाट के जस्ट बगल में पड़ता है। ये आपका मीर घाट है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं आप पे, ये पानी शुद्ध हो या अशुद्ध हो पता नहीं, लेकिन गंगा जी में ऐसे पानी नहीं जाना चाहिए। घाटों का दृश्य, भगवान गणेश का मूर्ति बनाया गया है। हेलो मित्रों, तो जैसा कि देख सकते हैं ये आपका त्रिभैरवी घाट है, और त्रिभैरवी घाट के ठीक सामने लोग टॉयलेट करते हैं। ये सबसे बेकार यहाँ का काम है, जो कि लोग यहीं पे टॉयलेट करते हैं और घाट को गंदा बनाते हैं। तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पूरे बनारस के जितना भी घाट है, बस चार है कुछ घाट पे जो कि मिला के टॉयलेट है इनको। हाँ, हजारों लोग बताइए। अच्छा, ये टंकी है, टंकी जगह है, सकता है। हेलो मित्रों, तो ये देखिए आपका दादा सुमेर घाट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीआरपीएफ के जवान हैं, और यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे घाटों की सफाई करते हैं वर्कर हैं, यहाँ पे उनका ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। शायद कोई संस्था या कुछ काम हो रहा होगा। जैसा कि आपको मैं दादा सुमेर घाट 360 डिग्री पे दिखाने का काम करूंगा। ये देख सकते हैं 360 डिग्री पे किस प्रकार से घाटों के किनारे लोग चंदन लगाते हैं, चंदन की लगाने का काम करते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव ये प्लेस होता है शाम के टाइम में। यहाँ पे एक अद्भुत जो है कि आरती होती है इवनिंग के टाइम में। आइए यहाँ पे कभी आरती लीजिए, मजा लीजिए। हेलो मित्रों, तो जैसा कि अगल बगल देख सकते हैं, ये गंगा जल ले जाने के लिए आपका डब्बा बिक रहा है। तो यहाँ से आप डब्बा खरीद सकते हैं और उसमें गंगा जल भर सकते हैं। और ये देखिए आपका प्रयाग घाट है। यहाँ पे घाटों के बगल में नहाने के बाद आप चंदन का लेपन सर पे करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये भी आपका दादा सुमेर घाट ही है। ये भी आपका दादा सुमेर घाट है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बतलाइएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और हेलो मित्रों, तो जैसा कि आपको मैं अभी अहिल्याबाई घाट दिखा रहा हूँ, ऊपर तक के पूरे फ्लोर जितने भी है पूरा मैं दिखाने का काम करूंगा। अभी आप इधर देख लें, जिसको आपको 360 में पूरा रोटेट करके दिखाऊंगा। इसके जस्ट बगल में आपका दादा सुमेर घाट है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो आपका नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको चंदन का लेप लगाते हैं। ये देखकर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ है? हेलो मित्रों, तो अभी मैं देखिए ठीक सामने मुंशी घाट के खड़ा हूँ, और जैसा कि मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, अब लोग यहाँ पे देखिए नाव पे सवार हो गए हैं और कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, घाटों घूमेंगे। ये मुंशी घाट आपका है। ये मुंशी घाट है आपका। देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं यहाँ गदोलिया मार्केट का सब्जी मंडी है।
हेलो फ्रेंड्स, देखिए गदौलिया पे आपका टूरिस्ट प्लाजा बन रहा है और यहाँ पे टू व्हीलर व्हीकल्स जो है कि स्टैंड बनाया जा रहा है। यहाँ पे टू व्हीलर व्हीकल्स खड़ी की जा सकेंगी कुछ मंथ बाद, अबाउट एक मंथ बाद। भाई देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टू व्हीलर पार्किंग बन रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है। भाई बंधु हमारे जो है कि वर्कर्स जो हैं अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम कंप्लीट करते हुए अब इधर का भी काम देखने लगे हैं और ये टू व्हीलर व्हीकल्स जो है यहाँ पे स्टैंड की जाएंगी, यहाँ पे खड़ी की जाएंगी। तो इसके अगल बगल कुछ दुकानें इस प्रकार से इधर की हैं, शॉप है जो कि गदौलिया चौक से होते हुए आपका सुमेर घाट की तरफ चला जाएगा। तो मित्रों आपको देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सहयोग करें। तो आइए चलते हैं आगे। ये है गदौलिया मार्केट आपका, जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको हमेशा भीड़, मांगने से अच्छा कुछ कर लो जिंदगी में। ये देखिए अगल बगल दुकानें, नहीं जो अयोग्य हो उनको देने में भी अच्छा भी लगता है लेकिन जो योग्य हो और मांगते हैं तो अच्छा ही लगता है दोस्त। और दुकान का उसके ठीक सामने नाम लिखा हुआ है उस बोर्ड पे जो रेड कलर का है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्र। ये देखिए किनारे किनारे क्लॉथ बिक रहे हैं। ये है गदौलिया मार्केट बनारस का। आप सभी को कैसा लग रहा है ये देख करके मार्केट, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है सब बताएं।